हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम आपको जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग, ये लेक्चर नंबर आज आपका 4 होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है बिल्डिंग एस्टीमेट। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में BCI भी लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्टिंजेंसी फंड क्या होता है उसको देखेंगे। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये क्या होता है इसको देखेंगे। इसी प्रकार सेंटेज चार्ज, प्रोविजनल सम, टाइम कॉस्ट, स्पॉट आइटम, सनराइजेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पहला, इसकी आज ये थ्योरी की लास्ट क्लास है। इससे अगली वीडियो में जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी की लास्ट क्लास है। देखिए अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करना शुरू कर देते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। ठीक है, देखिए देखिए बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है। देखिए ध्यान से, डिफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ। देखिए, जब भी आप लोग किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जाते हैं या फिर बनवाने का सोचते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट में बहुत सी फ्लक्चुएशन आती रहती है। मान लीजिए आप वर्ष 2000 में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, ठीक है, और मान लीजिए आपने उसका एस्टिमेटेड भी बनवा लिया था कि उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, लेकिन किसी भी कारण से आप वो काम नहीं कर पाए, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, फिर आपने क्या सोचा, आपने कुछ सालों के बाद, मान लीजिए अभी आपने 2024 में ही अपना जो कार्य है उसको पूरा करने की सोचा, तो आपने क्या किया, उसको जो आपके एस्टिमेटेड है उसको आपने दोबारा से बनवाया। ठीक है, बनवाने के बाद आपको पता लगा कि जो 2000 वर्ष में कॉस्ट थी और जो 2024 में कॉस्ट है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं या परसेंटेज में बात करें कि 2000 के कंपेयर में 2024 में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, या फिर खैर कमी तो बहुत ही कम होती है, यानी कि ज़्यादातर बढ़ोतरी होती है। तो उसको जो देखा जाता है ना किसी बेस ईयर के सापेक्ष, उसको ही BCI यानी कि बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स कहते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट में आने वाली कमी या बढ़ोतरी, ज़्यादातर कमी तो बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन बढ़ोतरी ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक है, किसी बेस ईयर के सापेक्ष देखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, BCI यानी कि बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको ही कहते हैं हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आ जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग उस कंस्ट्रक्शन पर किसी देखभाल के लिए, आपके सामान जो पड़ा है उसकी देखभाल के लिए आप लोग कुछ टेम्परेरी एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को रख लेते हैं, उनको जैसे कि मंथली वेजिस पर या फिर डेली वेजिस पर रख लेते हैं। ठीक है, ताकि वे इसका जो आपका सामान है उसकी देखभाल करें। ठीक है, और ये जो होता है ना, देखिए क्या होता है, किसी निर्माण कार्य को सुचारू रूप से, क्या होता है सुचारू यानी कि उसको ठीक ठाक रूप से चलते रहना चाहिए। ठीक है, से कराए जाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर, किस पर ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ चौकीदार या मुंशी आदि को टेम्परेरी कर्मचारियों को मंथली वेजेस या फिर डेली वेजेस पर रखा जाता है। ठीक है, क्या बता दिया मैंने आपको ये भी, फिर जिनका भुगतान इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट से दिया जाता है। इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि जो आपने बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी जो एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसी से दिया जाता है उनको पैसा। ठीक है, यह है कॉस्ट का, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना होता है, 1.5 से 2% होता है। ध्यान रखिए, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है कितना होता है, 1.5 से 2% होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्कर्स को हम लोग टेम्परेरी वेजेस के लिए, यानी कि टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट के रूप में रख लेते हैं।
ताकि जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी जो देखभाल करनी होती है, ठीक है, और उनको मंथली वेजेस या डेली वेजेस पर रखा जाता है, और जिनको जो कॉस्ट आपके जो रुपए होते हैं वो इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट से दिए जाते हैं। और ये कितना होता है टोटल कॉस्ट का, ये आपका टोटल कॉस्ट का 1.5 से 2% होता है, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, आप लोग एक बार पढ़ ली थी आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है परसेंटेज या डिपार्टमेंटल चार्जेस। अब देखिए क्या होता है, आप लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे थे वो किसी कंपनी से करवा रहे थे, और मान लीजिए वो कंपनी किसी भी कारण से आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो छोड़कर चली गई, ठीक है, छोड़कर चली गई, तो तब आप क्या करते हैं, आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनसे अपना कार्य करवाते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके उस कार्य को करने के लिए कुछ चार्ज लेता है, ठीक है, और जो चार्ज लगता है ना उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेज या डिपार्टमेंटल चार्ज कहते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी अन्य विभाग के कार्य को करता है, वही मैंने आपको बताया कि कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो आपके कार्य को कर रही थी और वो उसको छोड़कर चली गई, ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है उस कार्य को करता है, तो यहाँ कुछ चार्ज लगता है, यानी कि क्या करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ चार्ज लगाता है अपना, किसके लिए, जैसे कि प्लानिंग के लिए, डिजाइन के लिए, एक्सकवेशन वर्क के लिए, ठीक है, आदि के लिए, इन पर लगाया गया चार्ज ही क्या कहलाता है, सेंटेज चार्ज या फिर विभागीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, और ये आपका 10 से 15% होता है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। इसमें लिख लीजिए यहाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना होता है, यह एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 से 15% होता है, 10 से 15% होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये होता है आपका 10 से 15%, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सेंटेज या डिपार्टमेंटल चार्ज होता है वो कितना होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी दोनों की दोनों डिफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आता है आपका प्रोविजनल सम। प्रोविजनल सम क्या होता है, देखिए ऐसे कार्य जिनकी लागत हम लोग पहले से निर्धारित नहीं कर सकते जब हम लोग एस्टिमेट तैयार कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि आपका कोई भी एयर कंडीशनिंग आ जाती है, ठीक है, या फिर आपका लिफ्ट का इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, तो इनकी कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट में पहले से निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो कॉस्ट होती है फ्लक्चुएशन आता रहता है, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रोविजनल सम के अंतर्गत, देखिए ऐसे कार्य जिनकी लागत शुरुआत में यानी कि जब हम डिटेल एस्टिमेट बना रहे थे तब क्या होता है निर्धारित नहीं की जा सकती है, जैसे कि लिफ्ट का इंस्टॉलेशन कराना है हम लोगों को या फिर एयर कंडीशनिंग, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं ना वे सारे किसके अंतर्गत जाते हैं, आपके जाते हैं प्रोविजनल सम के अंतर्गत, ठीक है। अब अगला आता है आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप लोग कुछ भी सामान लेने जाते हैं शॉप पर, ठीक है, तो शॉप पर जो उस वस्तु की जो कीमत होती है ना उसको ही हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वस्तुओं की दुकान पर कीमत ही क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि प्लम्बिंग फिटिंग का आप लोग सामान लेने जा रहे हैं, उसकी जो वस्तु की जो शॉप पर कीमत होगी उसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। फिर डोर विंडो फिटिंग, डोर विंडो की जो फिटिंग होती है वो भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी, प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब आपका आता है फिर आता है स्पॉट आइटम। स्पॉट आइटम क्या होता है, देखिए ध्यान से, नाम से ही पता चला स्पॉट आइटम। देखिए जब आप लोग डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बहुत सी डायमेंशंस और विमाओं को देखकर क्या करते हैं आप लोग, जो बहुत सी डायमेंशन विमा होते हैं उन सभी की स्टडी की जाती है और परिणाम निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कि जिन पर जो आइटम होते हैं उनको ड्राइंग और विमाओं के आधार पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है,
ठीक है, यानी कि समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, साइट पर ही जो आपकी आइटम होता है उसकी स्टडी की जाती है, और स्टडी करने के बाद वहीं ऑन द स्पॉट उसकी एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ही बोलते हैं हम लोग स्पॉट आइटम। ठीक है, स्पॉट आइटम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। स्पॉट आइटम डिटेल एस्टिमेट बनाते समय बहुत सी विमा यानी कि डायमेंशंस ड्राइंग आदि को देखकर मदो बोलते हैं आइटम का परिमाण निकाला जाता है। कई बार विभिन्न प्रोजेक्ट में यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे आइटम आ जाते हैं कि उन्हें ड्राइंग के आधार पर समझना व समझाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में साइट पर ही क्या होता है, साइट पर ही उस आइटम का अध्ययन यानी कि स्टडी करके एस्टिमेट तैयार किया जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट आइटम कहते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा भारी डिफिनेशन नहीं है, आप लोग इनको एक से दो फिर पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए लास्ट क्या आ चुका है, सनराइजेस और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट इन परसेंटेज। देखिए क्या होता है, जो आपकी सनराइजेस होती है उसके बारे में देखिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आप कुछ भी काम कराते हैं, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हैं, आप ये पूछते हैं कि क्या कि भाई क्या रेट चल रहा है। ठीक है, बाजार में पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या रेट है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए देखिए क्या होता है, जो आपके डिपार्टमेंटल स्केड्यूल होते हैं यानी कि जो उनके रेट होते हैं वे कभी कभी क्या होते हैं, बाजार की जो रेट होते हैं उनके साथ अपडेट नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कि जो एक बार लिखे गए वो लगभग कई सालों तक वही रहते हैं। ठीक है, या महीने भी बोल सकते हैं, वे इतनी जल्दी से अपडेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए क्या होता है, जो आपका ठेकेदार होता है, मान लीजिए आपके जो डिपार्टमेंटल में जो रेट है वो थोड़ा कम है, ठीक है, और जो बाजार में रेट चल रहा है उसी वर्ग का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य को करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो और एक बात और, ये जो होती है आपकी सनराइजेज ये कभी भी पॉजिटिव भी होती है, कभी निगेटिव भी होती है, यानी कि जो बाजार रेट से ऊपर भी होती है कभी कभी, ये हालांकि कभी कभी बाजार रेट से तो बहुत कम होती है लेकिन निगेटिवली ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखिए इसमें यही लिखा गया है कि कई बार बाजार दरों बोलते हैं यानी कि रेट में उतार चढ़ाव की स्थिति के मद्देनज़र क्या होता है, विभागीय दर अनुसूची, क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंटल स्केड्यूल ऑफ रेट का अद्यतन बोलते हैं अपडेट न होने के कारण ठेकेदार विभागीय रेट पर कार्य करने को तैयार नहीं होता। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी बाजार है उसमें रेट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है और जो आपकी विभागीय की जो रेट है वो थोड़ा सा कम है, तो इसको देखते हुए जो आपका ठेकेदार है वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये क्या होता है, और हाँ इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको सनराइजर को भट्टा खाता। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी नेगेटिव होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सनराइजेस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इन परसेंटेज। ये क्या होता है, देखिए इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है परसेंटेज में वो आपका होता है आपका 10-15%। कितना होता है, 10-15% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो जो आपकी एस्टिमेट कॉस्ट है उसका 10-15% होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपकी थ्योरी की क्लास थी जो कि पूरी हो चुकी है। ठीक है, देखिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी में कवर किया है क्योंकि इसमें केवल केवल थ्योरी है, इसमें आपका समझने का कुछ भी नहीं है, आप इसको एक से दो फेरी पढ़ेंगे ये आपको भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इससे अगले वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे, देखिए इससे आगे जो क्लास होगी उसमें ज़्यादातर अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे
सेंट्रल लाइन निकालना किसी भी बिल्डिंग की, यानी कि हमको कोई भी बिल्डिंग प्लान दे देगा और उसकी हम लोगों से सेंट्रल लाइन, सबसे पहले हम लोग उसको यही सीखेंगे कि निकलती कैसी है, ठीक है। और उसमें जो डिडक्शन होते हैं कि टी जंक्शन पर कितना डिडक्शन होता है, एल जंक्शन पर कितना होता है, क्रॉस जंक्शन पर कितना होता है, या फिर एच जंक्शन भी होते हैं कहीं पर, ठीक है ना, तो उन पर डिडक्शन कितना होता है वे सब देखेंगे इससे अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी कमी नज़र आ रही हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर करना, हम उसको पूरी करने की, मतलब सुधारने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।